सप्त सुरों के संसार में ये शोक की घड़ी है, जिस मीठी और सुरीली आवाज में हिंदुस्तान के स्त्री मन ने धड़कना सीखा वह हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह हिंदुस्तान की आवाज थी जिसने हमें बताया कि वे हाड़ मांस की मूरत है जिनके भीतर एक धड़कता हुआ भावुक खूबसूरत दिल है। इस आवाज में काया का जादू भी मिलता था और आत्मा का राग और विराग भी। ये आवाज चित्र बनाती थी और चित्रों के पार जाती थी। इस आवाज में प्यार पवित्र हो जाता था। इसके पुकारने से ईश्वर, अल्लाह, रब, खुदा, गॉड कुछ करीब आ जाता था। यह सांसारिकता के बीच आध्यात्मिकता को बसाने वाली आवाज थी। यह सच है कि गायन के संसार में दूसरी लता मंगेशकर नहीं होगी। सुरों की मल्लिका कहो, कोकिला कहो, कुछ भी विशेषणों से विभूषित कीजिए, सब उनकी कला, समर्पण, उपासना, मेहनत, कर्म के समक्ष कम ही हैं। छपारा से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।